अब जाना पूगे भी, अब जाना पूगे। हे भगवान तू, राम राम राम। हे भगवान तू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, अपनी गवर्नमेंट पता क्या करती है, नेटवर्क सक कर देती है और ना किसी का सिग्नल आ रहा है ना किसी को फोन जा रहा है। कोई बंदा फंसा पड़ा भी होगा तो वो बंदा कहाँ से फोन करेगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे सब लोग, होप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। बारिश का तीसरा दिन है और अब इस टाइम माहौल क्या हो रखा है। तीसरे दिन गाइस पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज तो। गाइस मेरी गाड़ी के शेड तक पानी पहुंच गया है और यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह देखो भाई आधे आधे डूब गए हैं आज तो भाई, मतलब तगड़ा नुकसान हुआ। तो तीसरा दिन है और तीसरे दिन में तो भाई दो गुना नहीं, तीन गुना, चार गुना पानी बढ़ गया है। और भाई घर देखो, यहाँ पे भाई पूरा के पूरे डूब गए हैं भाई, कमरे दिख ही नहीं रहे हैं नीचे। मोटर वगैरह सामान वगैरह था भाई बंदों का, यहाँ पे वो सारा डूब गया पानी में। और सिचुएशन भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इस टाइम पे। कुछ रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और मतलब तीसरे दिन में आज तो भाई जैसे पहले दिन थोड़ा कम था और दूसरे दिन थोड़ा कम पड़ गया और तीसरे दिन तो आज उससे भी ज़्यादा पड़ गया भाई। इस टाइम बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया है, ऐसी सिचुएशन देख के तो भाई हालत ख़राब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज देखो कल यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं था और कल देखो इससे भी डाउन पानी था। यहाँ पे मेरे शहर तक पानी नहीं था, अंदर गाड़ी लगी हुई है। अब गाड़ी के पास जाऊँ भी कैसे जाऊँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और अंदर देखना पड़ेगा कि गाड़ी तक तो आज अभी इतना पानी पहुंचा नहीं होगा, पिछले टायर तक ही होगा पानी। तो गाइस तब भी देखना ही पड़ेगा क्या सिचुएशन हुई होगी अंदर। और मैं अभी यहाँ पे ट्रैक्टर पे खड़ा था क्योंकि यहाँ से देख रहा था माहौल की भाई क्या है। और भाई साहब अब तो डर ही लग रहा है कि इस हिसाब से तो क्या होगा इधर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। इधर ये हाल है तो निचले साइड तो भाई गंदे हाल हुआ होने आज भी। फिर पिछले वीडियो में तो आपने देखा ही होगा भाई नेट चौक साइड और डिडोर साइड में हाल क्या हुए थे और आज तो भाई वहाँ पे उससे भी ज़्यादा हाल ख़राब हो गए उन्हें। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। अभी मैं घर जा रहा हूँ तो उसके बाद देखता हूँ क्या सीन होता है। रोज़ पानी बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है भाई, बढ़ ही रहा है, पानी कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है रोज़। बारिश भी गई रात को 10 बजे से लग रही है, 10 बजे हल्की हल्की लग रही है और भाई सुबह 3-4 बजे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यू लग रही है। अब फिर से बारिश हल्की हल्की हो गई है, थोड़ी देर बाद बारिश फिर से रुक जाएगी और भाई शाम को फिर से बारिश रुक जाएगी। ऐसा सिचुएशन चली रहा है, ऐसी सिचुएशन चलेगा, रोज़ ऐसा सिस्टम चला हुआ है इस बारिश का रोज़। गाइस देखो आज के पानी में और कल के पानी में कितना ज़्यादा फर्क है यहाँ पे। और आज भाई कुछ ज़्यादा ही पानी हो गया, कल इतने लकड़ियों के पास इतना ज़्यादा पानी नहीं था। और भाई आज देखो आज तो भाई आधी आधी डूब गई हैं ये। अभी तो गाइस बंदे बोल रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो गया, थोड़ी देर पहले आता है, एक डेढ़ घंटा पहले आता मैं ना, तब तो भाई बहुत ज़्यादा पानी था, मतलब इनसे भी ऊपर पानी हो गया था उस टाइम पे। तो बारिश कम होगी उसकी वजह से थोड़ा पानी कम हो गया। तो भाई साहब सिचुएशन भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पिछले ब्लॉग में गाइस आपने देखा होगा उस टाइम इतना पानी नहीं था यहाँ पे और आज देखो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है भाई ऊपर से। भाई बहुत ज़्यादा पानी आ गया भाई आज बहुत ज़्यादा। अगर कल भी ऐसी सिचुएशन रही ना तो भाई कल तो मेरे को लगता फिर ये यहाँ तक आएगा पानी, मेरे को लगता है इधर ऊपर तक पानी पहुँच जाएगा, ऐसा हिसाब रहा। तो भाई देखो यहाँ पे बंदे को टॉयलेट वगैरह सारे डूब गए हैं, वॉशरूम भी कैसे जाएंगे बंदे। भाई साहब हालत ख़राब हो गई सबकी और इस घर में भी नीचे पानी घुस गया गाइस, नीचे से डाउन लेना है। और भाई देखो यहाँ पे बंदे वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। देखो बंदों की घर उदक में पानी चला गया हुआ है और क्या बताऊँ सिचुएशन देखो आप, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बंदों का देखो। और स्कूटी वगैरह चली गई बंदे बोल रहे हैं था।
देखो भाई बसें वगैरह निकल रही हैं यहाँ से, कैसे निकल रही हैं देखो, ये नागचोला साइड के माहौल है कितना। गड्डी हट गई यहाँ पर, अब जाना पूरे भी, अब जाना पूरे। हे भगवान तू, राम राम राम, हे भगवान तू, बहुत ज्यादा तगड़े वाला तबाही हो रखी है भाई। देखो भाई यहाँ पे बंदों के ग्राह ज्यादा डूब गए हैं, चढ़ के गेट तक था पानी और कम हो गया, वो तो थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि बारिश कम हो रही है ना, उस हिसाब से पानी भी कम हो रहा है। और भाई सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुई है, और आपने वीडियो में तो देखा होगा भाई क्या माहौल खराब हो रखे हैं भाई वीडियो में, मतलब बहुत लोगों के नुकसान हुआ भाई, तगड़े वाले नुकसान हुआ लोगों के। और भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया जगह, और इस टाइम सिचुएशन भाई अब तो पानी बहुत कम हो गया, पहले तो रोड के ऊपर से पानी चला हुआ था। देखो यहाँ पे अभी बंदों के कॉल आ रहे थे हमें, बिलासपुर साइड के दोस्त हैं मेरे, वो भी बोल रहे थे भाई हमारे बिलासपुर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और भाई बहुत गंदी बाढ़ आई है वहाँ पे भी। हाल हो गया इस टाइम सिचुएशन के हिसाब से, तो भाई मतलब बदल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या चला हुआ। पता नहीं भाई अपने हिमाचल को किसकी नजर लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई, बहुत गंदी तबाही हो रही है भाई हिमाचल में, बहुत गंदी तबाही हो रही है, मतलब वैसी तबाही नहीं पहले कभी हिमाचल में जितनी तबाही अभी हो रही है, डर ही लग रहा है इस हिसाब से। तो भाई गाइस शाम के 6 बज रहे हैं, और इस टाइम भाई सिचुएशन भाई बहुत खतरनाक हो रखी है कि भाई सुबह से बारिश लगी हुई है कंटिन्यू, अभी भी बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है, और अभी मौका मिला घर से निकलना क्योंकि अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, तो देखो कितना ज़्यादा पानी हो रखा है। और भाई गाड़ियाँ वगैरह अभी यहीं से निकल रही हैं क्योंकि 4 लाइन साइड में भी सिचुएशन पता नहीं क्या हो रखी है भाई, कुछ पता नहीं लग रहा है गाइस, ना 3 दिन से लाइट है ना पानी आ रहा है भाई, बुरे हाल हो गए हैं भाई बुरे हाल। हमें किसी किसी के घर में लाइट है, वहाँ पर जाकर फ़ोन चार्ज करने पड़ रहे हैं, और तब करके फ़ोन चले हुए हैं, ना सिग्नल है ना कुछ है, ना भाई नेट चला पा रहे हैं ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं भाई। जो सिचुएशन मनाली की है गाइस ना, वो सिचुएशन यहीं पे हो गई है, और रोड पे देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, यहाँ से निकले तो निकले कैसे। मैं ऐसे थोड़ा गुटकर साइड जा रहा था गाइस देखने के लिए कि गुटकर साइड में माहौल कैसा चला हुआ है, और यहाँ पे देखो भाई लैंडस्लाइड हुई और पेड़ वगैरह सारे गिर गए हैं भाई। देखो भाई 3 दिन से ट्रक फंसे पड़े हैं, आगे जाने का सोर्स है नहीं, तो ट्रक वाले भी कहाँ जाएंगे, ये सारे लेह लद्दाख जाने वाले हैं, कोई मनाली जाने वाले, कोई कुल्लू जाने वाले ट्रक हैं भाई, पूरे पैक हैं इस टाइम में लोड ट्रक हैं सारे। 6 मील के पास भाई इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है ना वहाँ पे, तो भाई रोड ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पीछे तो आपने देखा ही होगा वीडियो में कि सिचुएशन कैसी चली हुई है, और कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है भाई, तगड़े वाली हालात ख़राब हो रखे हैं भाई अपने इधर। इससे आगे गुटकर साइड में भी भाई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने सोचा ऐसे चलो देखाते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है, क्योंकि इस टाइम बारिश भी कम होगी और पानी भी थोड़ा कम हो गया है, मतलब नदी में इतना ज़्यादा पानी भी नहीं रहा है, तो मैंने सोचा चलो देख के आते हैं। रिस्क तो भाई बहुत ज़्यादा है, आपको पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस मंडी में क्या हालात हो रहे हैं। वॉल्वो वगैरह फंसी पड़ी है भाई, आगे जाने का कोई सोर्स नहीं, और भाई यहाँ पे आगे बिलासपुर साइड में जो अपने सुंदरनगर से आगे हरा बाग पड़ता है, वहाँ पे भाई गंदी लैंडस्लाइड हुई है 4 लेन पे, और भाई पूरा रोड में भाई मिट्टी हो गई है, मतलब पेड़ गिर गया भाई ऊपर से, पूरा मलबा गिरा हुआ है। एक तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, अपनी गवर्नमेंट पता क्या करती है, नेटवर्क स्ट्रक कर देती है, और ना किसी का सिग्नल आ रहा है ना किसी को फ़ोन जा रहा है, कोई बंदा फंसा पड़ा भी होगा तो वो बंदा कहाँ से फ़ोन करेगा, करके किसी को सिचुएशन का पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, कोई बंदा पीछे से भी आ रहा होगा तो सिचुएशन का पता कैसे लगेगा बंदों के आगे क्या माहौल चला हुआ है। गवर्नमेंट को भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, नेटवर्क ना नेटवर्क स्ट्रक करना चाहिए, ये भाई अपना हिसाब देखते हैं
कि आगे ज्यादा वीडियो वायरल नहीं हो, बंदे ज्यादा हो नहीं हो, पैनिक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। आगे वाले बंदे की सिचुएशन भी तो देखो, अगर बंदा फंसा पड़ा है तो बंदा फोन कहाँ से करेगा है? अगर इमरजेंसी में किसी को फोन करना है तो बंदा कैसे फोन करेगा? ऐसा मत करो ना यार, मतलब क्या बताऊँ। अब गवर्नमेंट को भी वो चीज़ देखनी चाहिए। यहाँ पे पानी कम हो गया है, और वैसे दो दिन से तो भाई यहाँ पे मतलब इधर उधर फोर लाइन का काम चला हुआ, ऊपर वाली साइड वहाँ तक पानी चढ़ रहा था। यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होना, यहाँ पे पीछे ऊपर वाली साइड तक पानी पहुँच रहा था। अभी तो पानी थोड़ा कम हो गया, तो मतलब ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं है यहाँ पे। और भाई साहब इस ना इस टाइम तो भाई इतना गलत सिस्टम हो गया ना भाई। यहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पे इधर है कोई जगह, पता नहीं क्या नाम है उस जगह का, वहाँ पे बोल रहे थे कि बदल फटा वहाँ पे। और वहाँ पे भाई बंदे सोए थे रूम पे, दो भाई बहन सोए थे, और उनको पता लगा नहीं, और सारा मतलब जितना भी लैंडस्लाइड हुआ ऊपर से ना, वो सारा कमरे में चले गए, और भाई वो नीचे दब गए और मर गए। लैंडस्लाइड हुई और भाई सोए सोए बंदे मर गए। भाई क्या करेगा बंदा इस सिचुएशन में। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, और ये पता नहीं कहाँ से भाई इतना ज़्यादा कीचड़ आ गया। देखो सबसे मेन दिक्कत है इस नेटवर्क नहीं है। मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा था कहीं कल, उनको भी भाई जॉब के चक्कर में कहीं जाना पड़ा संडे को, तो उनको फ़ोन कर रहा था अभी भाई वो ठीक है, पहुँच गया नहीं पहुँच गया, उनको फ़ोन नहीं जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करेगा? सारा रोड उखड़ा पड़ा हुआ है। बंदा अगर पानी में गिर भी गया ना, तो भाई हुआ भाई यहाँ पे नहीं, अगर अपने डिडोर साइड, डिडोर से परली साइड, वहाँ पे बंदे भाई पानी में बह गए, क्या करना? नदी के पास घर थे और पता लगा नहीं, एकदम से मतलब पानी आया और बंदे पानी में बह गए। बंदे आधे तो मिले नहीं, गाड़ियाँ बह गई बंदों की, बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान हो। देखा तो होगा आपने गाइस पीछे वीडियो में कि क्या सिचुएशन हुई है। ये देखो भाई कितना ज़्यादा रोड पे, देखो कितना ज़्यादा मिट्टी गिरी हुई है, कितना ज़्यादा रेत वगैरह गिरा हुआ भाई साहब। पता नहीं आया कहाँ से, ऐसा कुछ पता नहीं लगा गाइस आया कहाँ से सारा। तो वैसे मैं नेट चौक साइड जा रहा था, पर इस टाइम मेरे को लगता फिर को फिर से घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बारिश फिर से तेज़ हो गई है, और इस सिचुएशन में तो भाई ना वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगी, ऐसी बारिश में तो गाइस फ़ोन ख़राब हो सकता है। निकलते हैं घर को, वीडियो मेरे को लगता है यहीं एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इस माहौल में तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है इस टाइम बारिश लग गई है, तो भाई फ़ोन वगैरह तो भाई मेरा पूरा भीग गया है, खराब ना हो जाए, क्योंकि आगे की वीडियो अभी रिकॉर्ड करनी है। तो वीडियो करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।